हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ GTA 5 के और एपिसोड के साथ। और गाइस, अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा था तो आप सभी को याद होगा यार, पिछले बार हम लोगों ने ये बहुत ही टॉप सीक्रेट कार चोरी किया था मिलिट्री बेस से। अब गाइस, ये कार चोरी करने का रीज़न क्या है यार, लेस्टर ने हमें बता दिया है। यार लेस्टर ने बोला था कि हमें बिग माफिया के बेटे को जल्दी जल्दी ख़त्म करना होगा। और यार उसके पास ना इतने खतरनाक बॉडी गार्ड है, इतने खतरनाक आर्मर वेपन। यार बॉडी गार्ड के पास ना बहुत ही ज़बरदस्त वाले आर्मर भी है, फिर उन्हें ना ऐसे मानना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। इसलिए यार लेस्टर ने हमें बोला था ये बहुत ही टॉप सीक्रेट कार को चोरी करने के लिए। अब गाइस, इस कार में खास बात ये है ना, इसमें तीन अलग अलग तरीके का वेपन लगा हुआ है। और गाइस, ये कार ना बुलेट प्रूफ है, फायर प्रूफ है, रॉकेट से अगर इस कार को कोई मारता है भी ना तो यार इस कार को कुछ होने वाला नहीं है। अब गाइस, इसमें इसके जो ऊपर है यहाँ पे डबल मिनी गन लगा हुआ है, साथ यार आगे की साइड से हम लोग रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, रॉकेट से हम लोग किसी को मार सकते हैं, पीछे के साइड भी यार रॉकेट हम लोग निकाल कर किसी को भी मार सकते हैं जो हमारे पीछे है। अब गाइस, इस कार का ना इतना खतरनाक मॉडिफाई कर दिया है बैनी ने, यार पूछो ही मत, क्या ज़बरदस्त लग रहा है बैनी। यार बहुत ही ज़बरदस्त कर दिया, हर तरफ लोहा लगा दिया, बुलेट प्रूफ और भी ज़्यादा खतरनाक कर दिया। खैर गाइस, अभी ना हमें जाना है बिग माफिया के टनल पर, और वहाँ पर जाकर हमें यार बिग माफिया के बेटे को बहुत ही गंदे तरीके से हम लोग कुटाई करने वाले हैं। खैर अभी ना गाइस, हमारा जो कार है पूरी तरह से रेडी है, बैनी ने इसे मॉडिफाई करके और भी ज़बरदस्त और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। खैर अभी ना मेरे साथ चलने वाला है ट्रेवर, और यार कोई नहीं चलेगा क्योंकि यार ट्रेवर काफ़ी है। और यार ये कार जो है मेन काम करेगा, क्योंकि यार इसमें जो रॉकेट लगा है ना भाई, बहुत ही खतरनाक चलता है। और भाई ये जो कार है ना बिग माफिया के बेटे के सीक्रेट टनल पर भी आराम से जा सकता है। खैर गाइस, अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से। और भाई गलती से भी ना मेरे से रॉकेट निकल गया भाई, अभी ना यहाँ पे हंगामा भी हो गया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त रॉकेट छोड़ता है ये कार। खैर अभी ना हम लोग चलते हैं सीधा बिग माफिया के सीक्रेट टनल के अंदर, वहाँ पर जाकर मैं आपसे मिलता हूँ। अभी ना गाइस काफ़ी दूर जाना है मुझे, और यहाँ पे मेरे साथ ट्रेवर है और भाई माइकल है और भाई ये कार जो कि हमारा मेन काम करेगा। तो गाइस चलता हूँ और वहाँ पर आपको टनल के बाद मिलता हूँ। तो गाइस, अभी ना काफ़ी देर लगा यार सीक्रेट टनल पर आने के लिए, और भाई यहाँ पे मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ। अब गाइस यहाँ पे ना इतना ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड हुए कि पूछो ही मत। खैर यार मैं ना क्या सोच रहा हूँ, सबसे पहले उतर कर देख लेना चाहिए कि आखिर यार यहाँ पे कितने सारे बॉडी गार्ड है। वैसे कार का जो साउंड है ना वो भी बहुत ही यार कम है, जो कि यार आराम से जो है लोग सुन नहीं सकते। खैर अभी देखो यार क्या मस्त वेपन आर्मर लगा रखा है, इन्हें तो यार रॉकेट से मारना होगा मुझे लगता है। लेकिन गाइस यहाँ पे ना, यहाँ पे मिनी गन ना बहुत ही ज़बरदस्त लगा है कार पर, तो अगर हम लोग मारते हैं ना तो आर्मर यार उनका कोई काम का नहीं। खैर चलते हैं और भाई सीधा अटैक करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं ना मिनी गन पे स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ना रॉकेट हम लोग नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पे एक तो गया भाई, दूसरा भाई इतने गंदे तरीके से ना ये लोग फायर कर रहे हैं ना यार, पूछो ही मत। खैर यहाँ पे तीन चार बंदे, एक भाई साहब मेरा कार फंस गया, अभी साले निकल यार, चल ही नहीं रहा। तो गाइस अभी ना यहाँ पे मैं निकल चुका हूँ, और भाई अब ये लोग गए भाई, चल ही नहीं रहा है भाई यार, मैंने क्या कर दिया तुम्हें। ओ चल रहा है ओके, तभी ना गाइस यहाँ पे ना हम लोग मार रहे हैं बहुत ही गदब, और भाई ये लोग तो गए। लेकिन यार यहाँ पे अपने कार को ना इतने ज़्यादा डैमेज दिया, लेकिन अपना कार जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग है ना यार, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बस थोड़ा बहुत यार क्रोच आया है जो कि यार कुछ काम का नहीं, यार कोई दिक्कत की बात नहीं। खैर यार ये जो जगह है ना बिग माफिया के बेटे का या सीक्रेट टनल है ना भाई, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे। और यहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, मतलब यार यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, काफ़ी सारे सामान भी रखा हुआ है। खैर गाइस आगे चलकर देखते हैं, और यहाँ पे ना यार अंदर आने का रास्ता भी बहुत ही गजब है, और ये एक टनल इसने बंद कर रखा है। खैर गाइस अभी हम लोग चलते हैं सीधा, और यार देखते हैं आगे और क्या है। खैर अभी ना मैं रॉकेट भी लगा लेता हूँ, अगर कोई मेरे सामने आया ना भाई सीधा रॉकेट चलाऊँगा, जो होगा भाई देखा जाएगा। खैर गाइस यहाँ पे दो दो रास्ता है भाई, किधर जाना किधर है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये वाला रास्ता चलते हैं। तो गाइस ओ भाई साहब इतने सारे बंदे भाई, ओ भाई यार पूछो ही मत, इतने सारे बॉडी गार्ड रखा है इन्होंने, और यार यहाँ पे इतने सारे बॉडी गार्ड हैं, पूछो ही मत भाई क्या कर रहे हैं ये लोग भाई। इनका जो जितना भी कार है मैंने यार तोड़ दिया, अब यार इनको जो है बहुत ही गंदे तरीके से फायर भी करने लगे। यहाँ पे ना मैं मिनी गन लगाता हूँ या फिर रॉकेट मारता हूँ, तो भाई साहब इतने गंदे तरीके से फायर, पीछे हटता हूँ यार वरना यार ये लोग मार सकते हैं बहुत ही आसानी से। खैर एक साथ यहाँ पे चार पांच बंदे मिल के फायर कर रहे हो भी मिनी गन, भाई अपना कार जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। खैर मैं ना मिनी गन पे स्विच करता हूँ, अब भाई आ जाओ, जिसको भी आना है ना अब आ जाओ, अब भैंस के तुम लोग तो गए। तो यार यहाँ पे ना इतने गंदे फायर किया ये कार ना यार, पूछो ही मत, बहुत ही काम का यार कार निकला। एक बंदा बाकी है भाई ये ले तू, तो
तो यार यहाँ पे ना सारे बॉडीगार्ड मर चुके हैं, लेकिन यार इसके पास ना दो तीन कार, भाई इतने सारे गोल्ड, भाई साहब कहाँ से लाया ये इतने सारा गोल्ड। और यहाँ पे ना दो तीन सुपर कार भी है जो कि यार मैंने यार रॉकेट मारकर तोड़ दिया है। एक कार बचा है जो कि यार मैं ना इसे भी तोड़ने वाला हूँ। खैर अभी ने कहा जिनके पास यार काफ़ी सारा गोल्ड है, और ज़मीन पर भी देखो कितना सारा गोल्ड गिरा हुआ है, और यहाँ पे और भी गोल्ड है, और यहाँ पे टैंक रखा हुआ है, भाई इतने सारे कार भी है, बहुत ही ज़बरदस्त भाई। और आगे चलकर देखते हैं गाइस, हो सकता है आगे भी और भी बंदे हो। और भाई बिग माफिया का बेटा कहाँ छुप गया, मुझे तो यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। खैर आगे चलते हैं, आगे कुछ होगा। तो गाइस आगे यार मुझे कुछ खास मिला नहीं, तो यहाँ पे मैं वापस आ चुका हूँ पीछे। अब भाई यहाँ पे ना और दो बंदे आ गए, भाई तुम लोग कर क्या रहे थे, ये बंदा भी गया। तो भाई यहाँ पर मैंने सारे बंदे को मैंने मार दिया, और भाई अपना कार जो है ना बहुत ही गंदे वाला डैमेज भी हो चुका है, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं क्योंकि इतना खतरनाक मॉडिफायर किया था बैनी ने, यार पूछ ही मत। तो यहाँ पे ना इतने सारा गोल्ड है, यार पूछो ही मत भाई इतना सारा गोल्ड। खैर यहाँ पे मैं ना अपना देसी कट्टा निकाल लेता हूँ, ताकि अगर कोई आए ना तो मैं उसे आराम से ख़त्म कर सकूँ। तो वैसे अभी ना यहाँ पे मेरे सीक्रेट टनल पर जितने भी बंदे थे ना उसे मैंने ख़त्म कर दिया। और भाई एक मिनट यार, यहाँ पे मैंने कोई छुपा हुआ है, लगता है कोई बंदा यहाँ पे छुपा हुआ है, जरूर यार बिग माफिया का बंदा होगा, लेकिन यार इसे जो हम लोग को किडनैप करना चाहिए। एक्स गन यार यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे चलते ताकि ये भाग ना सके। और भाई ये पीछे छुप कर कर क्या रहा था ये ले तू। अरे भाई ये तो बिग माफिया का बेटा ही है भाई, गया ये, मतलब यार इसे ना अभी बेहोश हो चुका है, लेकिन अभी ना इसे ऐसे आसान मौत तो नहीं मारने वाले भाई, अभी ना सबका हिसाब बराबर करना है। तो यार यहाँ पे ये ले तू बेटे, बहुत यार चौड़ रहा था ये अपने बॉडी गार्ड के सामने। अब भाई तू आ जा, अब तू कुछ करके दिखा तो सही, साले उठ कैसे रहा है तू। खैर अभी ने गाइस माइकल यार बिग माफिया के बेटे से यार हिसाब बराबर कर रहा है। खैर ये तो यार अभी माइकल का हिसाब अपना बराबर कर रहा है, बाकी यार लेस्टर और ट्रेवर बाकी है, वो लोग यार इस बंदे के साथ क्या करेंगे मुझे तो नहीं पता। खैर अभी ने इसे बहुत ही यार बुरे तरीके से मैं कुटाई करने वाला हूँ। और बेटे उठ के तू दिखा, साले तू फिर से उठ रहा है, अबे यार उठने ही नहीं दूंगा मैं, ये ले तू एक और ले बेटे तू। भाई बहुत ही गंदे तरीके से माइकल ने इसे कुटाई कर दिया। कह रहा भी नहीं, ये जो बनता है और ज़्यादा मैंने मारा ना तो ये यहाँ से टपक लेगा, और यार ऐसे से मारने नहीं देंगे क्योंकि अभी ना लेस्टर और ट्रेवर का भी हिसाब बराबर करना है, और भाई वो लोग भी इसी के कुटाई करने वाले हैं। खैर अभी ना गाइस ये बंदा बहुत ही गंदे तरीके से पिटाई हो चुका है इसका, और भाई ये बंदा अब कुछ कर ही नहीं सकता। खैर गाइस अभी ना इसके पास और भी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि यार है कहाँ वो यार मुझे पता ही नहीं है। खैर गाइस अगर ना वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे मिल जाता है ना तो उन्हें भी मैं मार सकता हूँ, या फिर यार वो सिक्योरिटी गार्ड आके बिग माफिया के बेटे को बचा सकते हैं। खैर गाइस अभी ने सीक्रेट टनल के अंदर वैसे कुछ दिखा नहीं मुझे। अभी ने गाइस यहाँ पे देखो यार इतना सारा गोल्ड रखा हुआ है, और भाई ये सारा इस मतलब यार इसके पास जितना भी गोल्ड था ना वो हो सकता है इस टनल के अंदर ला कर रखे। खैर अभी ने गाइस ये सारा कार हम लोग यार तोड़ देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं, ताकि यार यहाँ से कोई भाग ना सके। तो यहाँ पे ये तो गया, बाकी तो यहाँ पे ना सारा यार जितना भी कार था ना मैंने तोड़ दिया। अब भाई बिग माफिया का बेटा यार कुछ कर ही नहीं सकता, वो भाई साहब बिग माफिया का कोई बंदा था शायद से, ये नहीं बेटे तू शायद से यार ये लोग छुपे हुए थे। और भाई अभी ना शायद से ना भी पकड़ कर यार मारना चाहिए, वरना यार और भी सिक्योरिटी गार्ड के पास शायद जा रहे होंगे। बस यार यहाँ पे इतनी स्पीड भाग रही है, पूछे मत। एक तो गया भाई, एक देसी कट्टा निकाल के मारा है क्या माइकल ने। खैर अभी एक बंदा तो टपक गया, लेकिन यार ये लोग भाग कहाँ गए मुझे यार कुछ दिखाई भी नहीं दिया भाई इतनी जल्दी। ओ भाई ये रहा, साले तू कहाँ जाएगा तू भाग के, एक सेकंड तेरा एम ही नहीं लग रहा है भाई, काफ़ी दूर भाग चुके हैं ये लोग, मतलब यार आगे हम लोग गए तो यहाँ पे बिग माफिया का बेटा भी भाग सकता है। खैर यार इतने गंदे तरीके से हम लोगों ने कुटाई किया तो भाग नहीं सकता, अभी चलने फिरने के लायक नहीं है। खैर अभी ने कहा बिग माफिया का बेटा जो है अपने कब्जे में है, और भाई अभी कोई आया नहीं तो मैं सीधा इसे टपका दूंगा, और इसे यार मन तो कर रहा है एक ही झटके में इसे ख़त्म कर दूँ, लेकिन अभी ना गाइस लेस्टर और ट्रेवर को भी इसे इसके बारे में हिसाब बराबर करना है। जितना लेस्टर ट्रेवर और माइकल को मारा इस बंदे ने कि यार पूछो ही मत। खैर अभी इनका हिसाब बराबर हम करेंगे बाद में, अभी ना ये बंदा को मैं लेकर के जाने वाला हूँ लेस्टर के घर पर, और लेस्टर से ना इतना गंदा टॉर्चर करवाऊंगा इसे कि यार पूछो ही मत। और अभी गाइस इसके पास इतना सारा गोल है ना, वो सारा गोल भी मैं सोच रहा हूँ यार ले करके जाऊँ। अभी ने गाइस यहाँ पे हम लोग अभी इसे ले करके तो नहीं जा सकते क्योंकि यार यहाँ पे ना और भी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड है, और भाई सारे को हमें मारना होगा। अभी ने गाइस यहाँ पे जितने भी गोल्ड है ना ये सब हम लोग बाद में लेस्टर को यार दे देंगे, और लेस्टर कुछ ना कुछ करेगा इस गोल्ड का। खैर अभी ने गाइस यहाँ पे ना बिग माफिया का बेटा अपने कब्जे में है, और भाई बिग माफिया के बेटे को हमने इतने गंदे कुटाई किए हैं कि यार पूछो ही मत। और अभी यार लेस्टर और ट्रेवर का हिसाब बराबर करना बाकी है, तब मैंने कहा यहाँ पे मैं बिग माफिया को बेटों को लेकर के जाऊँगा सीधा यार जाऊँगा लेस्टर घर पर, और यार लेस्टर यहाँ पे इसे टॉर्चर करेगा। तो वैसे अभी के लिए बस इतना यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो यार बाय, अपना ख्याल रखिएगा।